नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पेचू पाटना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली जीके जीएस इंप्रूव करने के लिए टॉपिक्स में लेकर आया हूं ज्योग्राफी का, भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि छोटे से लेक्चर में बहुत ज्यादा चीजें सीखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में मैप के थ्रू इंडिया के बारे में चीजों को, मतलब इसका लोकेशन क्या है, बाउंड्रीज क्या है, कौन कौन से इसके नेबर कंट्रीज है, ये सब चीजों को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो बिच्चू पाठशाला की है वो लंकर डी लंगू रोड पे आपका कोचिंग है ऑफलाइन में, और सुबह में 6 to 12 की सीबीएसई भी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है, और इवनिंग में भी मेरी बीएचयू एंट्रेंस के लिए बैचेज है, रेलवे की बैचेज मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है इन कोर्सों में वो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के मुझे कॉल कर सकते हैं, गूगल करके एड्रेस निकाल सकते हैं। आप संडे को छोड़ के किसी भी दिन आप सीधे सेंटर में विजिट कर सकते हैं। तो आप प्लीज अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि हाँ आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का मन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक बेस्ट फैकल्टी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं है इसका, ठीक है। तो इस चीज इन सब चीजों को हम खैर कॉल पर बात कर सकते हैं और आप सेंटर पर आके विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैं इस पे अब आता हूं, जरा टाइम नहीं लॉस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी देश का जो भौगोलिक स्थिति है वो इमेजिनरी लाइन में बॉन्डेड होती है, मीन्स अक्षांश और देशांतर में। मैं आपको ग्लोब लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, अब इसमें इंडिया कहां पे, यहां पे। तो अगर मैं ग्लोब को अभी ऐसे बना दूं, ठीक है, तो इंडिया का लोकेशन कुछ यहां पे आता है ऐसे। तो मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो फिर अब जो लाइन है, देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे देशांतर। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो खड़ी लाइन होती है देशांतर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अक्षांश, ठीक है। तो हमारा जो सबसे हमारा दक्षिणी पॉइंट होता है, स्थलाकृति में सबसे दक्षिणी पॉइंट होता है, उसको वो क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है, कहां पड़ता है, तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है मीन्स यहां पे देशांतर होगा तो 8.4 मिनट, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। देखिए यहां पे एक बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि है तो दक्षिण का पॉइंट, लेकिन मैं उत्तरी अक्षांश क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ग्लोब में उत्तर में है, ठीक है, ग्लोब में यहां पे होता है तो हम सारा दक्षिण लिखते, लेकिन ये ग्लोब में कहां पे है, विश्वद्वीप के ऊपर है, इसीलिए, ठीक है। कन्याकुमारी में भी अगर मैं पार्टिकुलर प्लेस की बात करूं तो यहां पे एक प्लेस पड़ता है केप कमोरी, आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे, यहां लिख देता हूं केप कमोरी, ठीक है, केप कमोरी। जो देखिए ऑप्शन आपको तीन चार तरीके से मिल सकता है, एक तो सबसे जो साउथ प्लेस है, सबसे दक्षिणतम स्थलाकृति में सबसे पॉइंट है, कौन सा स्टेट है, तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सा प्लेस है, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में कौन सा प्लेस है, तो केप कमोरिन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहीं पर एक, मतलब जो केप कमोरिन है, कुछ जब इंडिया का मैप ऐसे जा रहा है तो यहां पर कुछ लास्ट पॉइंट ऐसे बनेगा नुकीला सा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतरिम। देखिए ये जो इंडिया है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपी भारत, ठीक है। तो प्रायद्वीप का डिफिनेशन क्या होता है, प्रायद्वीप का डिफिनेशन ये होता है कि वह स्थलाकृति, इवन वो बड़ा स्थलाकृति जो तीन ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका क्या है, अरेबियन सी है, और नीचे हिंद महासागर है। तो तीन ओर से महासागरों से घिरे होने की ऐसी कुछ आकृति को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो जब यही प्रायद्वीप अगर छोटे रूप में हो जाए, ये बहुत बड़ा एरिया है, छोटा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अंतरिम। तो जो एक केप कमोरिन प्लेस है ये अंतरिम बनाता है, मतलब लास्ट में जाके कुछ, अब कहीं ना कहीं जाने के बाद एक चौकीला सा पॉइंट निकलेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, केप कमोरिन हो जाएगा। यही पर एक मैं आपको और कंसेप्ट समझाता हूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबाल, गल्फ ऑफ खंबाल, ठीक है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि यहां पे हिंदी में इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, यहां पे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है, दोनों में खाड़ी वर्ड है, लेकिन यहां पे बे वर्ड यूज हुआ है, यहां पे गल्फ वर्ड यूज हुआ है, रीजन क्या है, देखिए दोनों इंग्लिश के वर्डों में डिफरेंसेस क्या है,
खाड़ी तो दोनों है, डिफरेंसेज ये है कि जब कोई एरिया ठीक है मतलब स्प्रेड हो, बड़ा एरिया हो और उसके सामने ऐसी कोई स्थलाकृति हो, मतलब यहां पे अंडमान निकोबार नेचुरली है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे। जब कोई नैरो एरिया, देखिए यहां पे क्या है, नैरो है ठीक है, जब कोई नैरो एरिया हो और उसके सामने कोई यहां पे आइलैंड नहीं हो तो उसको बोलेंगे गल्फ। ये दो वर्ड फिर आप यहां पे सीख लीजिए कि बे और गल्फ में क्या डिफरेंस है। मैं आपको फिर से बार समझाता हूं कि जब कोई बड़ा एरिया कुछ यूं मतलब दो ऐसे स्थलाकृति से घिरा हो और उसके सामने आइलैंड हो और ये बड़ा हो, अगर इसी का नैरो एरिया हो तो गल्फ हो जाएगा, बड़ा हो तो बे हो जाएगा। जैसे कि पूरे जो बड़ा एरिया है इसको पेनिनसुलर, छोटा है तो अंतरीम ठीक है, क्या अंतरीम। देखिए ये दोनों क्या है, मतलब एक कंसेप्ट था मैंने आपको दिमाग में डाल दिया। तो अब मैं बात करता हूं, ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश ठीक है कन्याकुमारी में, लेकिन ये तो स्थलाकृति का है। अगर मैं बात करूं कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंडिया का कौन सा है, बस क्वेश्चन सिंपली ये है तो ऑप्शन आ ही जाइएगा, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वहां पे इंदिरा पॉइंट मिलेगा। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट देखिए क्या है, ये आपका है अंडमान निकोबार आइलैंड ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो आपका ये कहीं लास्ट में इधर कहीं पड़ता है इंदिरा पॉइंट। वीडियो में आपको अगर नहीं दिख रहा हो मेरी आवाज में जाइएगा, इंदिरा पॉइंट ठीक है, ये हो गया। मतलब निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार दोनों सम्मिलित नहीं है, अंडमान आपका ऊपर है निकोबार नीचे है, वीडियो में आपका दिख रहा होगा उम्मीद है। तो अंडमान ये है निकोबार नीचे है, तो जो इंदिरा पॉइंट है वो है आपका निकोबार में। मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ा सा गेम के बारे में भी इसको खत्म कर लेते हैं फिर अपने स्टॉक्स में आएंगे। तो अंडमान निकोबार में जो टोटल आईलैंड है वो कितने हैं आपके, ठीक है यहाँ पे टोटल बस अंडमान निकोबार के टोटल आईलैंड है 247 ठीक है 247, ये कितने इकोन से अंडमान निकोबार को पूरा मिला के आईलैंड, मतलब ये पूरा आईलैंड से बना ही हुआ है ठीक है, और काफी अच्छा प्लेस भी है ये। अंडमान और निकोबार को एक चैनल क्रॉस करता है, क्वेश्चन आ सकता है तो 10 डिग्री चैनल ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है ठीक है। अंडमान में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी भी है, उसका नाम है सैंडल पीक, मैं यहां लिख देता हूं ठीक है, यहां पे है सैंडल पीक। इसका नाम सैंडल क्यों पड़ा, क्योंकि जो लड़कियों की हील होती है नुकीला सा कुछ ऐसा लोकेशन मतलब ऐसा शेप बनाता है जिसकी वजह से सैंडल पीक बोला गया। तो सैंडल पीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा सैंडल पीक हो जाएगा। कौन से अंडमान निकोबार में, अंडमान में पड़ता है कि निकोबार में पड़ता है, तो अंडमान में पड़ता है ठीक है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहां पड़ता है, अंडमान में पड़ता है कि निकोबार में पड़ता है, तो पोर्ट ब्लेयर आपका पड़ता है कहां पे पड़ता है, अंडमान में पड़ता है ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ठीक है। ये कहां पड़ता है, तो आपका अंडमान में पड़ता है ठीक है। और एक मैं आपको बता दूं, हाँ सैंडल पीक की लंबाई भी आप नोट कर लीजिए, तो कितना है 732 मीटर ठीक है, 732 मीटर है सैंडल पीक का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ठीक है, तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका माउंट यूलियन ठीक है, माउंट यूलियन ठीक है। इसकी जो लंबाई है आपका 642 मीटर ठीक है। तो माउंट यूलियन जो है, यूलियन है ये आपका बस निकोबार का है, दोनों को सम्मिलित देखा जाएगा तो हमारा क्या निकल गया, सैंडल पीक निकल गया। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं इसके बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं दक्षिण हो गया उत्तरी, तो उसका नाम है एक नीचे वाला इंदिरा काल है, यहां पे इंदिरा पॉइंट है ठीक है, इंदिरा काल जम्मू कश्मीर पड़ता है ठीक है। अब जम्मू कश्मीर का नाम लिया तो कुछ यहां से चीजें निकाल के आते हैं, जैसे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबको पता है क्या है, माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर इसकी लंबाई है मीटर में ठीक है। कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका कुछ यहां पर पड़ता है, और ये प्लेस कौन सा है, ये नेपाल है
मतलब माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल पे। लेकिन मैं अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पड़ेगा, उसका नाम है K2। K2 को काराकोरम भी बोलते हैं, K2 को गाड़ी नास्टी भी बोलते हैं। तो तीन चार नाम से इसको जाना जाता है, दिमाग में बैठा लीजिए कि K2 जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, 4848 इसका है, इसका भी 4800 समथिंग है, 600 समथिंग है, आप इसके बाद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये आपका कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अब हम बात करते हैं देशांतर की। तो जो देशांतर में ये लोकेशन है, ठीक है, इसका है 68.7 मिनट, ठीक है। और सबसे ए पॉइंट जो है वो आपका है 97.25 मिनट, ठीक है। ये हमारी देशांतर है दोनों साइड का। अब हम बात करते हैं सबसे पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी की बात करें तो सबसे पूर्वी जो हमारा जो स्टेट निकल के आएगा वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर उस प्लेस की बात करें सबसे सबसे पश्चिम पूरब में पड़ेगा तो कौन सा है, किबुथी, किबुथू, ठीक है। किबुथू जो है वो सबसे पूर्वी भाग, पूर्वी क्षेत्र है हमारे देश का, ठीक है। सबसे पश्चिमी बात करें तो राज्य कौन सा है, गुजरात, ठीक है। और गुजरात में बात करें कौन सा स्थान है तो उसका नाम है गौर मोता, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पड़ोसी देशों की, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पे हमारा क्या है, पाकिस्तान, ठीक है, मैं इसको पाक लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए, जो इंडिया और पाक सा जो जो सीमा रेखा है वो कितनी लंबी है, तो ये है 3323, ठीक है। खैर डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस डेटा से आपको एक बेहतरीन चीज मैं आपको सिखाऊंगा। और जो ये सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम दिया गया है रेड क्लिफ, ठीक है। और रेड क्लिफ बना कब था, तो 17 अगस्त 1947, मतलब अपने आजादी के दो दिन बाद ये सीमा रेखा बनाई गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाइना की, तो यहां से कुछ अब चाइना स्टार्ट होगा। यहां पे थोड़ा सा अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है, ठीक है। यहां पे 106 किलोमीटर के क्षेत्र से अफगानिस्तान अपने देश से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे कम क्षेत्र से जुड़ा होने वाला अपना पड़ोसी देश कौन सा है, तो हो जाएगा अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा से तो मैं बात करूंगा बांग्लादेश की, ठीक है। तो यहां पे क्या आता है, अब चीन यहां पे होगा, तो चीन का जो है वो कितना क्षेत्र है, कितने सीमा रेखा जुड़ा हुआ है, तो 3488 किलोमीटर से, ठीक है। और इसकी जो सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन, आप सुनते चलिएगा। और ये मैकमोहन रेखा कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी अप्रैल 1914 में, ठीक है। ये पहले ही बना दिया गया था अंग्रेजों के शासन काल में, उन्होंने चीन को पहले ही अलग कर दिया था क्योंकि पता था कि वो चीन से कभी जीत नहीं पाएंगे, तो ये चीज हो गई, ठीक है। और ये कब कौन से समझौते में किया गया था, तो शिमला समझौता। देखिए एक एक पॉइंट को आप दिमाग में बैठाते चलिए, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, ठीक है। देखिए बांग्लादेश यहां पे कुछ है, ठीक है। तो बांग्लादेश का ये क्षेत्र है, यहाँ पे आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, फिर वेस्ट बंगाल है। तो ये पूरा एरिया क्षेत्र लेते हुए क्या है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र, अब कौन सा देश सबसे ज्यादा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश, ठीक है, वो 4096 किलोमीटर से है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, चाइना आएगा 3400 से, और तीसरे पे आएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। और नेपाल उतना नहीं है, नेपाल का मैं लिख देता हूँ, नेपाल का कितना है 1700, मतलब अप्रॉक्स 1700 मान लीजिए, 1750, ठीक है। नेपाल कितना है, 1700 से है,
भूटान आपका 600 समान लिए 700 में लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो फिर इसके बाद श्रीलंका तो इस्लाम जगत से जुड़ा हुआ ही नहीं है, मालदीव आपका जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी देशों से मिलकर एक सार्क संगठन बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। तो इसमें अपने पड़ोसी देश पूरे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस पॉइंट से, मतलब किबुथू और गोरमोता से, तो इसकी जो लंबाई है हमारी ये टोटल निकल के आती है कुछ यहां तक ऐसे जाएगी, और ये है आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है। देखिए यही बात एक चीज और सीखते हैं, ये जो लाइन है ये दोनों कहां मीट करती है, आपसे स्टेट पूछा जा सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ में मीट करती है, आपको मिडल में लग रहा होगा कि मध्यप्रदेश में मीट कर रही है, लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ में मीट करती है, ठीक है। ये आपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अक्षांश और देशांतर का, सॉरी ये वाली लाइन नहीं है, यहाँ पे हमारा जो एक समय मानक समय लिखा है 82.82 डिग्री, ठीक है। तो जो 82.82 डिग्री वाली लाइन यहाँ से कुछ आएगी, मैं भी बताता हूँ समय काल रेखा, कुछ ऐसे जाएगी, तो वो कहाँ पे मीट करती है, तो छत्तीसगढ़ में करती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली है। तो ये जो रेखा है ये हमारे देश का समय बांटती है, मतलब ये हमारे देश को एक मानक समय देती है, ठीक है। तो ये जो मानक समय देती है, अब मैं इसमें बताऊं, तो देखिए हमारा जो देशांतर सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो कितना है 97.25 और यहाँ पे कितना है 68.7, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, लगभग मैं सोचता हूँ 68.7 से 78, 78 से 88 और फिर 98, ठीक है, मतलब 30 डिग्री का, ठीक है। और एक डिग्री में 4 मिनट, तो इनमें अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना निकल गया 120 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में सूरज दिखता है इस 120 मिनट के डिफरेंस की वजह से, मतलब गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, यही रीजन है इसका, ठीक है। तो हमारे देश में जो मानक समय लिया गया है वो मिर्जापुर से, यूपी के एक क्षेत्र है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इलाहाबाद के पास पड़ता है, तो वहां से लिया गया है, ठीक है, हमारा जो मानक समय है। और वही अमेरिका का 6 मानक समय है, देश ज्यादा बड़ा है, तो जिसका जैसा लैंड है उसने अपना सबसे ज्यादा, रशिया का है, रशिया का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उसने शायद 11 मानक समय रेखा रख रखा है। तो इस तरीके से अपने देश ने, हर देश ने अपने ज्योग्राफिकल सिचुएशन, जो ज्योग्राफिकल तरीका है, मतलब क्षेत्र है, उसके हिसाब से उन्होंने अपना मानक समय रेखा बना रखा है। अब मैं बात करता हूँ कुछ तटीय क्षेत्रों की, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आते हैं, जैसे आपका कन्याकुमारी कौन से तट पे है, तो कन्याकुमारी जो है वो है कोरमंडल में, ठीक है, कोरमंडल तट। और आपका केरला कौन सा है, तो मालाबार, यहां पर मैं लिख रहा हूं मालाबार, मालाबार तट, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दो हो गए, फिर उसके बाद कोरमंडल, कोरमंडल के ऊपर आता आता है उत्तरी सरकार तट, ठीक है, उत्तरी सरकार तट, इसके ऊपर आता है उत्कल, उत्कल तट, ठीक है। फिर एक लास्ट में सबसे आता है जो आपका वेस्ट बंगाल किसके किनारे है, बैंगा तट के, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में तेलंगाना बना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से बांट के, तो कभी भी आंध्र प्रदेश को आप तटीय क्षेत्र में मत रखिए, सॉरी तेलंगाना को तटीय क्षेत्र में मत रखिए, क्योंकि वो जो बटा हुआ है वो ऊपर बटा है, मतलब यहां से अगर कुछ मैं यू मैप बनाऊं तो ये ऊपर तेलंगाना का क्षेत्र आएगा। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश होगा वो आपका तटीय क्षेत्र में काउंट होगा, ना कि आपका तेलंगाना होगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन करने की कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम बात करते हैं, लगभग ये सब चीजें हो गई, अब हम डेटा कुछ लिख रखे हैं इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति में मतलब यही था, देशांतर और आपको अक्षांश को लिखना था, मैं आपको बता ही दिया हूं कि लगभग यहाँ पे पॉइंट सब लिख रखा है मैंने, ठीक है, 8.4 और 97.25, तो ये चीजें आपको हो जाएंगी, ठीक है। और देशांतर विस्तार हो गया, अक्षांश विस्तार हो गया, मानक समय, फिर लंबाई चौड़ाई मैंने बता दिया, ये लंबाई और ये चौड़ाई बताई दिया, ठीक है। स्थलीय सीमा देखिए,
अब स्त्री सेना की बात कर रहे हैं, मतलब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, फिर आसाम, नागालैंड, और फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इन सब स्टेटों से मिलके जो हमारी स्थल सीमा है वो कितनी है, 15,000 लगभग, मतलब मान 15,100 किलोमीटर, ठीक है। अब जली सीमा, मतलब यहाँ गुजरात से स्टार्ट होगा कुछ ऐसे, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, फिर ऐसे करके आएगा, फिर तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, फिर अरुणाचल, ऐसे करके पूरा ये जो क्षेत्र है, ये आपका कौन सा है, ये इसका कितना क्षेत्र है, कितना किलोमीटर है, तो 7,500 किलोमीटर, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब जली क्षेत्र का जस्ट दुगना है हमारा स्थलाकृति वाला, ठीक है। खैर मैंने आपको लिख रखा, आप इसको ऐड कर लेंगे तो भी निकल के आ जाएगा। अब प्रादेशिक जल सीमा, देखिए हमारा जो देश है ये तटीय क्षेत्र है, तो हमारे जल, हमारा जो समुद्र है हमारे किनारे, उसमें भी हमारा अधिकार होता है, ठीक है। तो इसको नॉटिकल मील में मेजर करते हैं, जैसे किलोमीटर होता है, नॉटिकल मील जो होता है वो पानी में मेजर करने का यूनिट है। तो 0 से लेकर 12 नॉटिकल मील तक हम संपूर्ण दोहन कर सकते हैं, मतलब समुद्र में उसमें पाया जाने वाला जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम उसको आराम से ले सकते हैं। फिर 12 से 24 नॉटिकल मील तक हम आपको सुरक्षा देते रहते हैं और फिर अपना आवाजाही रखते हैं, अपने हमारा देश लगभग 24 मील तक रखता है। फिर 24 से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक हमारा क्या होता है, अधिकार प्रशासनिक रूप से होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि बेसिकली यहाँ पे आप ये चीज समझ में दिमाग में रखिए कि समुद्र में कितने नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार है, तो 200 नॉटिकल मील तक। संपूर्ण दोहन का अधिकार कहां था, तो 12 नॉटिकल मील, तो इसी में बोला था, तो 0 से 12, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन है एरिया परसेंटेज इन वर्ल्ड, मतलब पूरा क्षेत्र अगर 100% है, मतलब ग्लोब का 100% है, तो इंडिया कितने परसेंट पे राज करता है, तो इंडिया जो राज करता है वो करता है 2.4%। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कितने परसेंट इंडिया का क्षेत्र है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो 2.4। विश्व में स्थान कौन सा है, मतलब क्षेत्र वाइज, तो 7वां स्थान है, ठीक है। जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है, ठीक है। फिर आपका साक्षरता परसेंटेज कितना है, तो 70.4% है, ठीक है। राज्य और युवा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अभी रिसेंटली हमारे पास कुछ फोकस टोटल स्टेट और यूपी कितने हैं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, उसमें एक लद्दाख बन गया है, और वो दोनों के दोनों यूपी बना दिए गए, कोई अब वहां पर स्पेशल कैटेगरी नहीं है, स्पेशल स्टेट नहीं रहा हो। तो इन सब चीजों की वजह से एक नया क्वेश्चन आता है कि हमारे पास टोटल अब राज्य और यूपी कितने हैं। तो 29 हुआ करते थे तेलंगाना के बनने के बाद, 28 थे, तेलंगाना बना, 29 हुआ, लेकिन फिर से एक स्टेट खत्म हुआ जम्मू कश्मीर, अब वो यूटी बन गया, तो फिर से हमारी कितनी हो जाएगी, 28 फिर से हो जाएगा, ठीक है। और यूटी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7-2-9, मतलब जम्मू कश्मीर और वो दोनों जुड़ जाएगा यूनियन टेरिटरी, तो 7-2-9, ठीक है, करेक्ट रेखा। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री से वो गुजरती है, ठीक है, यहां से कुछ ऐसे करके गुजरेगी लगभग, ठीक है। तो वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इंडिया के 8 राज्यों से, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, तो मैं आपको लिख देता हूं, गुजरात, ठीक है, आप इसको नोट करते हैं, राजस्थान, ठीक है, छत्तीसगढ़, फिर आपका यहां पे पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं त्रिपुरा, और यहां पे लिख देता हूं मिजोरम, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब एमपी और झारखंड, तो ये 8 राज्य हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत फेमस भी है। फिर आपका है कि हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने स्टेट से लगता है, ठीक है, तो 18 मतलब राज्य हमारे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे
कुछ चीजें मैं यहाँ पे भी लिख रखा हूँ, उन्हीं सब डेटाओं को लिख रखा हूँ, अभी तो फिर समझ लीजिए। जैसे बांग्लादेश की बाउंड्री अपने देश से कितना टच करती है, तो 4096, कौन सी रेखा है रेड क्लिफ, और कितनी स्टेट से टच करती है तो 5 स्टेट से, ठीक है। चाइना 3488 किलोमीटर, ठीक है। मैकमोहन रेखा इनको अलग करती है, और कितने हैं तो 5 हुआ करते थे, अभी 6 हो जाएंगे, क्योंकि यूनियन जो जम्मू कश्मीर है वो 2 यूटी बढ़ चुका है, ठीक है। और मैं कौन कौन सा है तो ये भी देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, यहाँ के जितने भी है इधर वाले, ठीक है, मेघालय है और आपका एक है पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखिए फिर आप पाकिस्तान का है 33-23 रेड क्लिफ रेखा अलग करती है, कितने राज्यों से है तो 4, पंजाब, उत्तर, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। फिर आपका अफगानिस्तान से कौन सी रेखा है तो डुरंड है, 106 किलोमीटर से एड होती है, और ये कितने राज्यों से, मात्र 1 जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस तरीके से इस टॉपिक में मैंने ये सब चीजें आपको बता दी है। कुछ और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि बेसिकली वो तो पता ही होता है, जैसे हमारा क्या है राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है राष्ट्रीय विरासत पशु एक होता है, इसका क्या नाम है हाथी, जैसे बाघ होता है हमारा राष्ट्रीय पशु, वैसी राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, ठीक है। जलीय जीव मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। हाँ, टोटल आइलैंड इंडिया में कितने हैं, मतलब आइलैंड का मतलब ये होता है ना 0 से लेके 200 नॉटिकल मील के अंदर आने वाले सभी आइलैंड जो होते हैं वो हमारे देश में काउंट होते हैं। तो इस तरीके से टोटल आइलैंड हमारे जो होते हैं वो 1256 आइलैंड है, ठीक है, जिसमें से कि बस वे आप बंगाल में आपके 572 है, बचे हुए इधर है और नीचे है, 572 में भी 247 आपके कहाँ है अंडमान निकोबार में है, ये सब चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन सब 572 आइलैंड जो बिहार बंगाल में है इसमें मात्र 36% आबादी है, ठीक है, ये सबसे बेसिक चीजें हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ बता रहा था आपको, हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय ध्वज सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, ये सब कुछ चीजें थी जो बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस मैं सोच रहा था कि इस लेक्चर को खत्म करते हैं, आप इसको प्लीज पूरी वीडियो को कई बार देखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट छूटा है यहाँ पे सार, ठीक है, तो इसमें बता दिए कि हमारे पड़ोसी देश आते हैं, सार्क में क्या है पड़ोसी देश आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर ये वीडियो को खत्म करते हैं और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊं, इंडस वैली पे शायद है या फिर जैनिज्म पे हो सकता है, और आप टॉपिक बता भी सकते हैं कमेंट में जाके। मैथमेटिक्स की क्लास डेली जा रही है, देखिए जो भी लोग इंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग भी जिनको वीडियो अच्छा लगता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो सच में बहुत अच्छा जा रहा है, वेदांत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स उनका, और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं और हिंदी में भी मेरे यहाँ मैथमेटिक्स की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अखिल सर की जो इंग्लिश की क्लास है वो भी बहुत वोकैबुलरी की अभी बहुत अच्छी जा रही है, अभी वो शायद इस वीक से अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज चैनल पे बने रहिएगा, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी मदद आपको दी जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।